नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ महेश एस के डायमंड ब्यूटिक से और आज मैं आपको अस्तर वाले सूट की कटिंग के बारे में बताऊंगा। कटिंग के बारे में पूरी डिटेल से मैं आपको जानकारी दूंगा कि किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर बिगिनर्स भी बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ सूट को बना सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं कटिंग के बारे में। आज हम जो कुर्ता बना रहे हैं अस्तर का, उसमें लेंथ है अपने पास 41, चेस्ट है 35, अपर चेस्ट है 36 प्लस 3 इंच लूज और वेस्ट है 30 प्लस 3 इंच लूज, हिप है ओरिजिनल 40। तो हिप का मार्क हम करेंगे 10 और हिप का मार्क करने के लिए जो लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 22 और स्लीव्स है हमारी 16 और स्लीव्स का राउंड है 10 और आर्म होल है हमारा 16 लूज सहित 1 इंच लूज रखता हूँ मैं। कॉटन लाइनिंग है 2 मीटर और जो मेन फैब्रिक आता है मार्केट से 2.25 मीटर। तो पहले हम कॉटन लाइनिंग पे कटिंग करेंगे। तो फ्रंट और बैक के लिए फैब्रिक को मैंने लगा लिया है, दोनों फैब्रिक अपने पैक है इस साइड से और लेंथ है हमारी 41। तो कॉटन लाइनिंग 2 मीटर है तो जितनी लंबाई अपने आएगी उतनी लंबाई से हम बनाएंगे। ये लंबाई आ रही है 38। तो पहला मार्क ऊपर मैं करता हूँ। डीप नेक सूट है अपना, फ्रंट का नेक है 6 और बैक का है 7। तो शोल्डर की चौड़ाई मैं रखूँगा 6.25 और आर्म होल का मार्क करता हूँ मैं 6.5 पे और वेस्ट के लिए जो मार्क है वो अपना होगा 14 पे और हिप के लिए जो मार्क है वो मैंने आपको बताया था 22 पे। तो इस तरह मैं मार्क कर लेता हूँ पहले। नेक की चौड़ाई रखनी है हमें 2.75, तो नेक के लिए मार्क कर देता हूँ और शोल्डर में क्रॉस कटिंग करता हूँ तो शोल्डर के लिए भी मार्क कर देता हूँ। चेस्ट के लिए मार्क कर रहा हूँ मैं 9 इंच पे। तो चेस्ट है हमारा 36 प्लस 3 इंच हमें लूज रखना है तो 39 का 1/4 होता है 9.75। मैं चेस्ट के लिए मार्क कर रहा हूँ 9.75 और अपर चेस्ट भी हम इतना ही रखेंगे 9.75 बराबर। तो इससे हमारे चेस्ट की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। वेस्ट है अपनी 30 प्लस 3 इंच लूज तो 8.25 होता है इसका 1/4, तो मैं 8.25 पे मार्क कर रहा हूँ और हिप हमारी ओरिजिनल है 40 और हिप का मार्क मैंने 22 पे किया है तो हिप के लिए मार्क कर रहा हूँ मैं 10 पे और ये मार्क पे एक ऊपर की तरफ मार्क कर रहा हूँ मैं 1 इंच पे। ये मैं आपको बताऊंगा यहाँ तक हमें इस मार्क को बिल्कुल सीधा रखना है। तो इस तरह अपने सारे मार्क हो गए हैं। आर्म होल हमें चेक कर लेना है। आर्म होल लूज से ही तो हमें 16 रखना है तो उसका हाफ होता है 8, तो अपना आर्म होल 8 आ रहा है बिल्कुल बराबर। और ये चेस्ट और अपर चेस्ट का जो मार्क है वो मैं बिल्कुल सीधा रखता हूँ, इससे अपने आर्म होल में सलवटें नहीं आती है। और नीचे का जो मार्क है वो 1 इंच तक मैं बिल्कुल सीधा रखता हूँ, इससे हमारे कॉर्नर निकले हुए नहीं रहते हैं और सूट की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो जो बिगेनर्स है उनके लिए ध्यान रखने की बात है कि 1 इंच तक अपना मार्क सीधा रखना चाहिए। इस तरह मैं सूट की कटिंग करूंगा और फ्रंट में जो हमें शेप देना है अप्रोक्स 0.75 इंच के शेप होगा हमारा। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, अप्रोक्स 0.75 इंच हमारा फ्रंट में शेप होगा। नेक बनाएंगे हम बुकरम पे तो उसकी कटिंग मैं बाद में करूँगा। तो इस तरह हमारे सूट की कटिंग होगी।
बस अब इसका हमें मार्क है वो दूसरी तरफ भी हमें बिल्कुल बराबर इसके मार्क कर लेना है, 1 इंच तक बिल्कुल सीधा मार्क करना है। उसके बाद हमें राउंड शेप में वेस्ट की तरफ ले जाना है मार्क को, और ऊपर चेस्ट और बस्ट तक जो मार्क है अपना वो भी हमें बिल्कुल सीधा रखना है। तो इस तरह मार्क बराबर उठाने के बाद हम इसको मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। ये मैंने फ्रंट की कॉटन लाइनिंग को फैब्रिक पे रख दिया है और लेंथ है हमारी ओरिजिनल 41। तो नीचे से फैब्रिक को फोल्ड किया हुआ है इसमें, तो 41.5 रख के हाफ इंच ज़्यादा हमें इसकी कटिंग करनी है। तो मैंने हाफ इंच ज़्यादा रख दिया है और मैं फ्रंट की कटिंग कर देता हूँ मेन फैब्रिक पे। अब जो बैक के लिए हमारे पास प्लेन फैब्रिक था उस पे मैंने अपने बैग को रख लिया है, कटिंग किया हुआ कॉटन लाइनिंग है जो। नीचे फोल्डिंग के लिए 2.5 इंच पे एक मार्क कर दिया है, इतना फैब्रिक हमारा नीचे फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद 41.5 लेंथ पे मैंने चेक करके अपने फैब्रिक को रख दिया है और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे बिल्कुल बराबर। ज़्यादा फैब्रिक हमें वेस्ट नहीं करना है क्योंकि हमें स्लीव्स की भी कटिंग करनी है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो बचे हुए फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में लगा दिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो स्लीव्स में नीचे गोल्डन पाइपिंग लगा के बनाएंगे हम। तो लेंथ हमें रखनी है 16, इसलिए पहला मार्क कर रहा हूँ मैं 17 पे, और आर्म होल के लिए मार्क कर रहा हूँ मैं 4 इंच पे एक बिल्कुल सीधा, और आर्म होल का राउंड है हमारा 16 लूज सहित, तो मैं एक मार्क कर रहा हूँ 6.75 पे, और राउंड मार्क कर देता हूँ। तो आर्म होल अपना चेक कर लेते हैं, 16 आना चाहिए, उसका हाफ होता है 8, तो 8 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो हमारी स्लीव सही आएगी। और नीचे का राउंड है 10, तो उसका हाफ होता है 5, तो मैं 5 पे मार्क कर देता हूँ, और आगे 1.5 इंच मार्जिन। तो मैं स्लीव्स की भी कटिंग कर लेता हूँ। आर्म होल का शेप देना है हमें, तो फ्रंट में हमने 0.75 इंच शेप दिया था, तो वही 0.75 इंच के अप्रोक्स हमें शेप देना है आर्म होल के लिए स्लीव्स में भी। तो इस तरह हमें आर्म होल के शेप के लिए कटिंग कर लेनी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, ताकि अपने सूट की फिटिंग बहुत ही अच्छी बने। इस तरह से कटिंग करके आप अपना सूट बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ अपना सूट बनके तैयारी होगा। तो सूट की कटिंग हमारी हो गई है, नेक की कटिंग जो 6 है फ्रंट के लिए और 7 है बैक के लिए, तो मैं बुकरम पे कटिंग करूँगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि मैं आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।